hello students of class 12th welcome to your online class this is your economics class and today we are going to continue our first chapter and the topic is meaning of economy an economy is a system that provide people with a means to work and earn a living the well known economist a g brown हैज़ डिफाइंड इकोनॉमी एज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट आ लिविंग इकोनॉमी आपका क्या है इकोनॉमी एक आपका जरिया है जिससे जो आपको आपके वर्क करने के, के रेफरेंस में मिलता है जिससे आपको एक अर्निंग होती है और आप अपने जो लिविंग है उसको आप बेटर तरीके से जी सकते हो एक इकोनॉमिस्ट हैं हमारे ए जी ब्राउन उन्होंने इकोनॉमी को डिफाइन किया है कि अ सिस्टम बाय विच अ पीपल गेट अ लिविंग एक जो आपका इकोनॉमी है एक सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारा पीपल है हम हैं आप हैं वो एक रिवॉर्ड को गेट करता है वो एक जरिए को गेट करता है जिसके वजह से वो अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी लिविंग को बेटर बनाता है और एक रहने लायक उसकी ज़िंदगी रहती है गेटिंग अ लिविंग एम्प्लाईज अर्निंग एंड इनकम तो यहाँ पर गेटिंग अ लिविंग मीन्स होता है कि इनकम को अर्न करना किसी काम के बदले जो आपको इनकम मिलती है उसे हम गेटिंग अ लिविंग कहते हैं प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम एंड द प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स टेक्स प्लेस आर कॉल्ड प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन से हमें इनकम मिलती है और जहाँ पे वो जगह जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट दस ऑल प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद द जियोग्राफिकल एरिया बाय विच पीपल गेट दियर दियर आर कलेक्टिव देयर आर कलेक्टिव कॉल्ड एंड इकोनॉमी। यहाँ पे कुछ मिसिंग है आपके बुक में ही पीपल गेट देयर आर कलेक्टिविटी थोड़ी सी कुछ मिसिंग लग रही है बट जो आपका जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल जेग्र, एरिया होता है वहाँ पे जो पीपल वर्क करते हैं उनके वर्क से ही इकोनॉमी वहाँ पे जनरेट होती है फॉर एन एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी रिफर्स टू द इंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट लाइक एग्रीकल्चर फार्म Factories, workshop, banks, mines, railway, hotels, schools, hospitals, constructions work, airlines, cinema, house, insur insurance company, government and private offices located with the economic territory of India. आप इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी में आप कैसे देख सकते हो कि हाँ कहाँ पे हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही है तो ये हमारी कुछ फील्ड है जैसे कि आपको एग्रीकल्चर फार्म है फैक्ट्रीज़ है वर्कशॉप है बैंक है माइंस है रेलवे है होटल्स है स्कूल है बहुत से गवर्नमेंट्स हमारे हाँ गवर्नमेंट जो हमें एम्प्लॉय अर्निंग देती है जहाँ पर प्रोडक्शन करती है वहाँ पर प्राइवेट बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पे हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो जनरेट करती इंडिया की इकोनॉमी वहीं पे हमारी बनती है बनती नहीं मीन वहाँ पैसा छपता है यानी कि वहाँ से हमारी इकोनॉमी जनरेट होती है वर्किंग अल्टरनेटिवली वी कैन से ऑल सच इंस्टीट्यूशंस और प्रोवाइड people with the mean to work and earn an income are collectively called economy तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कि सभी और ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज़ होती हैं बड़े फर्म्स होते हैं वहाँ पे जो कि हमें एक काम करने का एक जरिए को देता है प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारी इनकम जनरेट होती है जहाँ पर हमारी अर्निंग होती है वो हमें एक, वही चीज़ें जो कलेक्टिवली हैं वो हमारी इकोनॉमी कहलाती हैं let it be known that an economy is called closed economy when it has no economic relation with other countries. it is termed an economy open economy when it has economic relation with other countries. फिर जो हमारी economy होती है वो भी जो हम लोग काम करते हैं वो भी दो तरीके के काम करते हैं। एक economy एक area होता है जहाँ पे हम जो हमारा इकोनॉमी एरिया है वो दो तरह में डिवाइड होता है एक है हमारा क्लोज इकोनॉमी एक है हमारा ओपन इकोनॉमी नाम से ही आपको पता चल रहा है क्लोज इकोनॉमी का मतलब नहीं है मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्लोज है यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री तक ही सीमित है जो कि हम अपने पूरे ट्वेल्थ में पढ़ेंगे फिर आती है हमारी इकोनॉमिक्स जो कि ओपन है यानी कि ओपन इकोनॉमी जो कि दूसरी कंट्री से भी रिलेशन रखती है जैसे कि अगर हमें कोई ट्रांज ट्रांजेक्शन करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे हमें कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है ये सब चीज़ें हमारी ओपन इकोनॉमी में आती है और जो एक कंट्री के अंदर विदाउट रिलेशन टू अनदर कंट्री वर्क करती है वो हमारी क्लोज इकोनॉमी होती है ठीक है जो क्लोज इकोनॉमी है वो आपके क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में आएगा और जब का ओपन इकोनॉमी है वो आप जब आगे ग्रेजुएशन में जाओगे और अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो उसमें आपको ओपन uh, इकोनॉमिक्स मिलेगी जहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में इकोनॉमिक्स हमारी होती है इकोनॉमी यानी कि पैसे कलेक्शन होते हैं वो चीज़ें ठीक है नेक्स्ट इज हमारी जो इकोनॉमिक्स है जो हमारी क्लोज इकोनॉमी है वो दो तरीके सॉरी हाँ क्लोज्ड इकोनॉमिक्स भी हमारी दो तरीके की इकोनॉमी भी दो तरीके की होती है फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी एंड सेकेंड इज सेंट्रल इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी क्या होती है अभी देखिए हम लोग एक कंट्री की बात कर रहे हैं इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन इंडिपेंडेंटली the central problem are solved by price mechanism that is price forces by demand and supply determine a price for every commodity there is still competition among the firms government doesn't interfere in economic activity profit motive is the main force behind all decisions मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी होती क्या है मार्केट इकोनॉमी में जो आप लोग जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट ओन्ड होते हैं यानी कि जो भी आप रिसोर्सेज जो भी आपके जरिए होते हैं चाहे वो आपका प्राइमरी रिसोर्सेज हो चाहे आपका सेकेंडरी हो वो आप लोग उसका जो कमांड होती है वो आपकी खुद की होती है यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है उसका प्रोडक्शन भी आप कर रहे हो कंजप्शन प्रोडक्शन uh, भी आप कर रहे हो सेलिंग भी आप कर रहे हो उसका प्राइस मेकनिज़्म भी आप कर रहे हो ठीक है तो इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो सारे आपके खुद के होते हैं यानी कि जो भी मार्केट को चला रहा है एक जो शॉपकीपर है आप एग्जांपल में ले सकते हो कि एक शॉपकीपर है तो जिस तरीके से वो चला रहा है अगर उसकी प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी के अंडर वो काम कर रहा है तो उसके सारे खुद के खुद के डिसीजंस रहेंगे वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है प्राइज मैकेनिज़्म की वो भी वो खुद ही सॉल्व करता है और कोई भी इसमें <coughs> गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है ना बस सिर्फ़ और सिर्फ एक काम रहता है जो मार्केट इकोनॉमिक्स रहती है उसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत कंपटीशन रहता है आप लोग मार्केट में देख सकते हो कि जब आप मार्केट जाते हो तो एक जैसे कई शॉप रहती है जिसपे खुद का कमांड रहता है जो बाय ओन्ड रहती है ठीक है तो उसमें प्राइस मैकेनिज्म क्योंकि खुद की रहती है तो इन लोग अपने अनुसार प्राइज, अलग अलग प्राइस पर कई शॉपकीपर्स एक ही चीज़ों को बेचते हैं तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रोल कर रहा है तो यहाँ जो हमारा मार्केट इकोनॉमी है वो किसके अंडर आ जाएगा परफेक्ट के यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छे से रोल कर रहा है ठीक है यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो प्रोड्यूसर होता है यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी को चलाता है उसका मेन टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना जो सेंट्रल इकोनॉमी होती है उसको वेलफेयर भी देना होता है वेलफेयर भी उसका जो टारगेट होता है क्योंकि उसको जन कल्याण भी करना है बट यहाँ पे अगर हम मार्केट इकोनॉमी में देख रहे हैं आप खुद ही अगर कुछ प्रोड्यूस प्र, करते हो तो आपका मेन आपका जो एजेंडा है मेन जो एम है वो यही रहेगा कि हम मैक्सिमम यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है उसको गेन करेंगे ठीक है तो जो हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है उसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य जो रहता है हमारा पैसे को कमाना रहता है और सेल्फ कमांड रहता है सेकेंड इज सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी सेंट्रली यानी कि जो हमें गवर्नमेंट होती है वो जो इकोनॉमी प्लान करती है उसके जो अंडर में इकोनॉमी आती है वो कैसी रहती है रिसोर्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल प्लान प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट और अ सेंट्रल अथॉरिटी देयर इज़ नो रोल ऑफ मार्केट और प्राइजिक मैकेनिज्म बिकॉज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्लान एंड इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट the objective behind all decisions is social welfare of people. Such an economy is also known as socialist economy. सेंट्रल इकोनॉमी हमारी क्या होती है जहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके गुड्स होते हैं वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं यानी कि उसका संचालन कौन करता है गवर्नमेंट करता है उनके हाथ में सारी कमांड होती है ठीक है जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल uh, गवर्नमेंट के अंडर या फिर सेंट्रल अथॉरिटी उसको सॉल्व करती है और यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पे सोशल जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी गवर्नमेंट के जो उसका जो इम्प्लीमेंट होता है जो लागू होती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है जैसे कि अगर एक गवर्नमेंट टीचर है तो वो जो रूल्स और रेगुलेशनस को फॉलो करेगी वो सारे रूल्स गवर्नमेंट के ऑर्डर पर आएंगे ठीक है जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज़ बात की है कि जो हमारा मार्केट इकोनॉमी होता है उसका जो मेन एजेंडा होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव uh, होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना होता है लेकिन हमारे जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसका सोशल वेलफेयर के साथ हमारी प्रॉफिट भी होती है सोशल वेलफेयर क्या होता है जन कल्याण के लिए जो लोगों के भलाई के लिए काम होते हैं उसे हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर रखते हैं और ऐसी इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि ये सोशल वेलफेयर पर काम करती है ठीक है तो ये थी हमारी कुछ टॉपिक्स जो आज के टर्न पे हमने कवर किया है और चीज़ें आप लोग देखते रहिए समझते रहिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मे बी वो सॉल्व हो ही जाएगी टिल देन प्लीज़ रिवाइल ऑल द थिंग्स ओके अ नाइस डे स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि अभी मे बी आपको वीडियोस भेजने में मेरी थोड़ी रेगुलरिटी हो जाएगी तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इस टाइम तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइएगा आपकी जो कोर्स है वो आपके टाइम पर ख़त्म हो जाएगा मे बी आपके टाइम से पहले ख़त्म होगा तो आप चीज़ों को खुद से भी थोड़ा रिवाइज करते रहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो हो सकता है यहाँ पे सारे टॉपिक्स को मैं कवर ना कर पाऊँ जो आपके बहुत छोटे टॉपिक हैं या फिर जो इतने कंपलसरी नहीं है जिसको आप खुद से भी कवर कर सकते हो तो मैं उसको मे बी स्किप कर दूँ वैसे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्किप भी कर सकती हूँ और फिर भी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो ओके हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स